स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दिस इज अवर सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हमको एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है कि एटम दिखता कैसा है, एटम का शेप कैसा होता है, साइज क्या होता है, किन चीज़ों से मिल करके एटम बनता है, ठीक है। और जिन चीज़ों से मिल करके एटम बनता है वो चीज़ें एटम के अंदर कहाँ कहाँ पर होती हैं और एटम को कैसे डिज़ाइन देती हैं, कैसे बनाती हैं एटम को, ठीक है। ओके, हमने चैप्टर 1 में एक थ्योरी पढ़ी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कब बनाई गई? 1808 में। डेट ध्यान से समझते जाइएगा, कब बनाया गया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? 1808 में, ठीक है। तो ये सिलसिला 1808 के बाद स्टार्ट हुआ, ये आपके डाल्टन साहब ने नियम बनाया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम किसी मटेरियल को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं, तो उसको तोड़ते तोड़ते छोटा करते करते हम जब सबसे छोटे पार्टिकल पर पहुंचते हैं, जो फर्दर अनडिविजिबल होता है, इनडिविजिबल होता है, अनकटेबल होता है, जिसको और नहीं काट सकते और डिवाइड नहीं कर सकते, उस पार्टिकल का डाल्टन ने नाम क्या रखा था? एटम। क्या नाम रखा? एटम। एटम का मतलब ही होता है अनकटेबल, ठीक है, समझे। ये ग्रीक में इसको एटोमिया ऐसे बोलते हैं, एटोमिया, ठीक है, यानी अनकटेबल, जिसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, समझ गए। उसका मतलब ही क्या होता है? अनकटेबल। और हमारे यहाँ भी पहले ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे तो वो भी ये वर्ड इस्तेमाल करते थे, अणु, परमाणु, अणु वर्ड यूज़ होता था ना हमारे यहाँ, लिटरेचर में मिलता है, साहित्य में, संस्कृत के, ठीक है, पुराणों में मिलता है अणु का शब्द। यानी उस ज़माने के ऋषि मुनि भी जानते थे कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? अणु। उसी से सारी चीज़ें बनती हैं, जिसको एटम बोलते हैं। तो सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता था, ठीक है। हम बात करेंगे थ्योरी की, हम बात करेंगे थीसिस की, हम बात करेंगे हमारे पास जो एविडेंस हैं, प्रूफ हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1808 तक तो लोगों का यही मानना था कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम। और कोई भी चीज़ बनती है तो एटम से ही मिलकर के बनती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है एटम ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी एक मटेरियल के एटम दूसरे मटेरियल के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट बनता है, यानी हर चीज़ का जिम्मेदार कौन? एटम, ठीक है। ये 1808 में डाल्टन साहब ने थ्योरी बनाई थी, ठीक। उसके बाद 1800, ये जो टाइम पीरियड देखिएगा, टाइम पीरियड जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 1850 के बाद, यानी 1850 के आगे जब आप जाएंगे तो 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, है ना। ये 1800 ख़त्म हुआ तो 19वीं शताब्दी शुरू हो गई, 19वीं शताब्दी के अंत में और वहां से लेकर के 20वीं शताब्दी के पहले पहले तक, समझ रहे हैं, सन 2000 के पहले पहले जितने डेवलपमेंट और जितने रिसर्च फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हुए, उतने रिसर्च, उतने डेवलपमेंट या उतनी डिस्कवरी कभी नहीं हुई हिस्ट्री में, कभी नहीं हुई, ठीक है। तो ये जो आपका टाइम पीरियड है 1850 से लेकर के 2000 से पहले पहले तक, ठीक है, ये 2000 के पहले पहले तक, तो ये वो टाइम पीरियड है जिस समय साइंस ने वो चेहरा देखा डिस्कवरीज का जो कभी नहीं देखा था, चाहे आपकी केमिस्ट्री की फील्ड की बात हो या फिजिक्स के फील्ड की बात हो। इस टाइम पीरियड के दौरान, ये 1850 के आगे की बात हो रही है ना, यानी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, ठीक है, या एंड कह लीजिए, क्योंकि 1800 के बाद 1801, 1802, 1803 ये तो 19वीं शताब्दी ही मानी जाएगी ना, तो 19वीं शताब्दी के लास्ट से लेकर के 20वीं शताब्दी के पहले पहले तक, एकदम 2000 नहीं, उससे पहले 1950, 1970, 1980, ये समझ रहे हैं डेट। तो मैं एक रफ फिगर आपको बता रहा हूँ, यानी ये जो टाइम पीरियड था लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के लास्ट से शुरू हुआ और 20वीं शताब्दी के पहले पहले तक, इसमें इतने ज़्यादा डिस्कवरीज हुई कि जितना कभी नहीं हुई थी लाइफ में, समझ गए। और इसी में हमको ये पता चला कि देखो एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता, एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं जिनसे एटम खुद बनता है ना। तो जब इन बातों का पता चला कि एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, तो पुरानी जितनी थ्योरी थी
सारी थ्योरी फेल हो गई, समझ रहे, समझे कि नहीं। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, ये कौन सी थ्योरी बताता है? बताने वाले तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि एटम इज अनकटेबल, एटम इज इनडिविजिबल, सबसे छोटा होता है, उससे छोटा कुछ भी नहीं होता है, बहुत सारी थ्योरी। लेकिन रिटर्न प्रूफ सिर्फ हमारे पास डाल्टन का है जिन्होंने थ्योरी बनाई थी। इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डाल्टन से, 1808 के टाइम से, ठीक है। उससे पहले भी कहने वाले बहुत सारे लोग थे जो कहते थे, लेकिन रिटर्न प्रूफ किसी का नहीं है हमारे पास। हमारे पास किसका रिटर्न प्रूफ है? सिर्फ डाल्टन साहब का। इसलिए हम बात भी यहीं से करते हैं जहां से हमारे पास प्रूफ है, ठीक है, ओके। सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स? जिनसे एटम बनता है उसके टुकड़े, छोटे छोटे पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, समझ रहे हैं? तो आज के डेट में तो हम लोग ये जानते हैं कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल हैं। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये तीन पार्टिकल अभी तक आप जानते हैं। और भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल उनको कहते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो चलिए अभी हम मान के चलेंगे कि हम एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल आज के डेट में जान रहे हैं। एक आपका इलेक्ट्रॉन है, एक आपका प्रोटॉन है और एक आपका न्यूट्रॉन है। उसमें हम ये भी जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, ये बाहर में इस तरह से घूमता रहता है, चक्कर लगाता है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रल चार्ज, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है बीच में। और एक एटम का पूरा मास न्यूक्लियस की वजह से होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होता कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी एटम का मास एक्चुअल में किसकी वजह से होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास का है, बहुत हल्का, उसको हम काउंट भी नहीं करते, समझ आया। और पॉजिटिव चार्ज का जो मटेरियल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रल वाला, वो कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस बहुत छोटी सी चीज़ है, जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो, इतने बड़े कमरे को अगर हम एटम मान लें, और इस कमरे के ठीक बीचों बीच अगर मैं एक पेन की निब से एक पॉइंट बना दूँ, पेन की निब देखे हो, जिस पेन से आप लोग लिखते हो उसका बॉल देखे हो, निब जहाँ लगी रहती है उस पर बॉल लगा रहता है, और वो बॉल घूमता रहता है इसलिए स्याही निकलती है, मालूम है वो बॉल कितना छोटा है। तो उस बॉल को अगर मैं इस कमरे के ठीक बीचों बीच हवा में लटका दूं, वो बॉल न्यूक्लियस का साइज है। कौन सा? न्यूक्लियस। इमेजिन कीजिए, और ये जो इतना बड़ा कमरा है ये एटम है पूरा, तो इतने बड़े एटम के अंदर इतना छोटा सा न्यूक्लियस होता है बॉल के बराबर। कौन सा बॉल? पेन का बॉल, समझे। और उस न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रहते हैं, और बाकी की जो जगह खाली है वो खाली रहता है एटम के अंदर। ये मैं एटम का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो हम आगे पढ़ेंगे डिस्कवरीज में, कि कैसे हमको पता चला कि एटम ऐसा होता है, खोखला होता है अंदर से, समझ रहे हैं। तो हमने ये जाना कि 1850 के बाद 2000 से पहले पहले ये जो टाइम पीरियड आया, इसमें बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। 19वीं शताब्दी के अंत तक में हमको पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम जान रहे थे, ठीक है। हाँ, ये टाइम पीरियड देखिए, 1879, 19वीं शताब्दी के अंत तक में, 1879, ये वो टाइम पीरियड है जब विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कैथोड रे के, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब लेके, या कैथोड ट्यूब भी बोल सकते हैं उसको, ट्यूब लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन के नाम से जानता नहीं था, उसको सिर्फ ये बोलते थे दिस इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन कैथोड रे ट्यूब, समझ आया। उसका नाम क्या था? आज जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसका नाम क्या था इनके टाइम तक? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन कैथोड रे ट्यूब, या फाउंड इन कैथोड रे, समझ आया। ये इतना लंबा चौड़ा नाम होता था उसका। बाद में आगे चल के स्टोनी ने उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। हु गेव द नेम इलेक्ट्रॉन? स्टोनी, ठीक है, ओके। तो इस टाइम पर विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मैं भी आता हूँ इसको लिखाऊंगा आपको, अभी सिर्फ थोड़ा सा हिस्ट्री का टेस्ट लीजिए। विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट हुए कैथोड रे ट्यूब के, ठीक है, और उसमें उन्होंने इस पार्टिकल की डिस्कवरी की कि नहीं, एटम से भी छोटा पार्टिकल होता है और हर एक के अंदर होता है, ठीक है। अभी हम आते हैं इस डिस्कवरी पर, लेकिन मैं इससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डिस्कवरी हुई ये किसकी वजह से हुई।
अगर वो नहीं होता तो कभी डिस्कवरी नहीं हो पाती एटम के अंदर क्या क्या है, कभी पता नहीं चल पाता। और वो चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलिए? जो बिजली हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कारण है सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढने के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल भी नहीं ढूंढ पाते। ठीक है, 1850 के आसपास ये मैंने आपको बताया ना, ये टाइम पीरियड, ये बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड है। सारी डिस्कवरीज साइंस की, रिसर्चेस सब इसी टाइम पीरियड पर हुई हैं। तो ये डेट आप याद रखेंगे 1850 से 2000 के बीच का, यानी 19वीं शताब्दी के अंत से 2000 के पहले पहले तक, ये मेन डिस्कवरीज का टाइम पीरियड था। ओके, हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज नहीं होता तो हम लोग कभी भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं ढूंढ पाते। समझ आया? 1850 में माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, माइकल फैराडे ने, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कंडक्टर में फ्लो नहीं होती, तार में फ्लो नहीं होती, मेटल में, वो गैस में भी फ्लो हो जाती है, एयर में भी फ्लो होती है। समझ रहे हैं? एयर से भी करंट पास हो जाता है, गैस से। अब ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, एयर से कैसे करंट फ्लो होगा, क्योंकि हम यहाँ पर हैं, सॉकेट में इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन वो यहाँ से निकल के मुझे शॉक नहीं देता। क्यों? बीच में एयर है, और एयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, और ये गैसेस क्या होती हैं? बैड कंडक्टर। इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, चार्ज नहीं फ्लो हो सकता। ठीक है, माइकल फैराडे ने 1850 में एक्सपेरिमेंट करके बताया, वही कैथोड रे का, डिस्चार्ज ट्यूब का, उसके अंदर उन्होंने गैस लिया और गैस में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके दिखाया। तो हमको पता चला कि देखो भाई, इलेक्ट्रिक करंट गैसेस में भी फ्लो हो सकती हैं, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो शर्त अगर हम पूरी कर दें तो फिर करंट किस में फ्लो होने लगता है? गैस में फ्लो होने लगता है। समझ में आया? ये टर्निंग पॉइंट बना, इसी को बेस बना के देखिए 1850 में किसने एक्सप्लेनेशन दिया? माइकल फैराडे। इन्होंने साबित किया कि गैसेस के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के, उसको बोलेंगे डिस्चार्ज, गैस का डिस्चार्ज होना, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज होना। तो इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टिंग थ्रू गैसेस, ठीक है, इनसाइड ए कैथोड रे ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब। ये टर्निंग पॉइंट बना, माइलस्टोन बना, और 1850 में ये डिस्कवरी हुई कि इलेक्ट्रिक करंट गैस में से फ्लो हो सकता है। फिर इसी को पकड़ करके विलियम क्रूप्स ने स्टडी की और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। किसको पकड़ के? यही ट्यूब उठा करके, जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी गैस से कंडक्ट हो जाती है। ये आ रही कुछ कुछ बातें समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये वो टाइम है जिस समय तक हमको इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा नॉलेज था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये हमको मालूम था 1850। समझ रहे हैं? डेट समझते जाइएगा। क्या मालूम था? इलेक्ट्रिसिटी कोई चीज़ होती है, चार्ज कुछ होता है, और हम ये जानते थे उस समय कि सेम तरह के चार्जेस या दो तरह के चार्ज होते हैं, ये भी हमको उस समय तक पता था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज, वन इज नेगेटिव चार्ज। उनके नाम भी हमको पता थे, फैराडे ने नाम रखे थे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग जानते थे। वो प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये समझ रहे हैं? ये आप जानते हैं कि नहीं? बोलिए, जान रहे हैं, लेकिन ये उस जमाने के लोग एक्सपेरिमेंटली जानते थे। ठीक है, आपसे ज़्यादा अच्छा। वो कैसे? हम ये जानते थे कि अगर मैं ग्लास को रब करूं, रगड़ूं, किसको? कांच को। ठीक है, और कांच को रगड़ करके किसी मटेरियल के पास ले जाऊं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, चिपक जाता है। पेपर पीस से अगर मैं पेपर पीस उठाऊं, इससे बगैर टच किए वो पेपर पीस उठा लेता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी आ जाती है, इसके पास ताकत आ जाता है फोर्स लगाने के लिए। समझ आया? ठीक है, इसी तरह से हम एबोनॉइड प्लास्टिक को रब करते हैं, उसके पास भी ताकत आ जाता है, तो वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, जब मैं एक ग्लास और एक प्लास्टिक एबोनॉइड इनको रब करके यानी चार्ज करके इनको आमने सामने रखता हूँ, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक जाते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हैं। लेकिन जब मैं ग्लास के सामने रब करके ग्लास ही रखता हूँ तो हम देखते हैं ये ऐसे दूर भागते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, क्योंकि ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, तो इसमें जो चार्ज होगा इसमें भी वही चार्ज होगा। ठीक है, इससे हमको पता चला कि सिमिलर टाइप के जब चार्ज आते हैं आमने सामने वो रिपल करते हैं, और अपोजिट ग्लास और प्लास्टिक रख दिए तो चार्ज करके अट्रैक्ट, अपोजिट चार्ज हैं प्लस माइनस, अट्रैक्ट करते थे। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि चार्ज क्या करता है,
फोर्स लगाता है एक दूसरे पर। सेम सेम टाइप के चार्जेस जब आमने सामने होते हैं तो क्या करते हैं, रिपल। और जब अपोजिट टाइप के चार्जेस होते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमको फैराडे ने बताया था उस टाइम तक हमको ये सारी चीज़ें पता थी। ठीक है, ये समझ में आया आपको। ओके, एक और चीज़ आपको समझनी है ताकि आप ये समझ सकें डिस्कवरी कैसी हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगता है। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है कि नहीं, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है, याद पढ़े हैं आप, नहीं पढ़े? इलेक्ट्रॉन का चार्ज जूनियर क्लासेस में तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल से, अभी मैं इसका एक ओवरव्यू बांध रहा हूँ कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, हम अभी यहाँ अटके हुए 1850 में, जब इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवरीज हो रही थी, उसके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे कि गैस के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, फ्लो होती है, जैसे तार में करंट फ्लो होता है वैसे ही गैस के अंदर भी करंट फ्लो हो जाता है। वो किसने करके दिखाया जी, फैराडे ने। और उसी डिस्चार्ज ट्यूब को पकड़ के विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन खोज के बता दिया, उसी डिस्चार्ज ट्यूब को गैस के अंदर करंट फ्लो करा के। तो पूरा क्रेडिट इनके नाम से है, लेकिन एक्चुअल मेहनत किसने किया, फैराडे ने किया। यही होता है, दस्तूर है ये साइंस का। समझ आया? ओके, अब देखिए, एक बात जो आपको समझनी है वो ये है कि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। फील्ड, अभी आप क्लास 11th में हैं तो आप लोग एक तरह का फील्ड पढ़ोगे जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं? हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ये एक मास है, ये दूसरा मास है, एक मास दूसरे मास को फोर्स लगाता है। ठीक है, लगाता है ना, एक मास दूसरे मास को फोर्स लगाता है और इसको पकड़े रहता है, ठीक, और इसको घुमाता रहता है अपने चारों तरफ ऐसे फोर्स लगा के। लेकिन फोर्स लगाने के लिए तरीका क्या है हमारा, अगर मुझे इस डब्बे को खसकाना है तो मैं कैसे करूँगा, इस टेबल को खिसकाना है तो क्या करूँगा, मैं फोर्स लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा फोर्स, तो आंसर है पहले इसको टच करूंगा, पकड़ूंगा, फिर धक्का मारूंगा, पुश करूंगा। तो मैं जब फोर्स लगाता हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद पुश करना पड़ता है। ये फोर्स लगाने का एक मेथड है, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट बनाओ, फोर्स लगाओ। ठीक है, लेकिन कुछ फोर्स ऐसे भी लगते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हैं? और इसका जीता जागता सबूत है, एक मैग्नेट लेके आओ, एक दूसरा मैग्नेट लेके आओ, और मैग्नेट को आमने सामने रखो तो आप क्या देखते हो, ये चिपक जाते हैं, चिपक जाता है ना। मैग्नेट लेके आओ, आयरन लेके आओ, छोड़ दो, चिपक गया, देखे हो कि नहीं? आयरन को दूर रखो, मैग्नेट को दूर रखो, जैसे ही आयरन से हाथ हटाओगे ये चिपक जाएगा इसके साथ। तो ये चल के अपने से आके चिपक गया, आयरन क्यों चिपक गया, चलने के लिए क्या चाहिए, फोर्स। बिना फोर्स के तो कोई चीज़ चल नहीं सकती, मतलब किसी ने तो आयरन पे फोर्स लगाया है, समझे या नहीं समझे? तो ये कौन सा फोर्स है जो बिना टच किए, बिना कॉन्टैक्ट बनाए लग जाता है, इसको बोलते हैं फील्ड फोर्स। कौन सा फोर्स? फील्ड। हम ये मान लेते हैं कि ये जो मैग्नेट है इसने अपने चारों तरफ अपना फील्ड बनाया होगा, उस फील्ड में जब कोई आयरन आ गया तो वो फील्ड इस आयरन को पकड़ के खींच लाती है, इसके साथ चिपका देती है। तो फोर्स कौन लगाता है, इसने जो चारों तरफ बनाया है फील्ड, उसको क्या बोलते हैं, फील्ड। ठीक है, और ये जो फोर्स लगा इस फोर्स को, फील्ड फोर्स, क्या नाम है इसका, फील्ड फोर्स। समझ आया? फील्ड फोर्स लगाने के लिए कॉन्टैक्ट बनाना जरूरी है क्या, बोलिए? जैसे मुझे इसको धक्का मारना है तो मुझे टच करना पड़ेगा तब धक्का मार पाऊंगा, लेकिन जहां फील्ड बन रहा होगा उस फील्ड के लिए क्या इसको इसको पकड़ने की जरूरत है, क्या ये इसको पकड़ेगा, टच करेगा? नहीं, बिना कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये चमत्कार है किसका, फील्ड फोर्स का। और आप लोग तो देखते ही हो चुंबक का एग्जाम्पल, इसी तरह से अर्थ सन के चारों तरफ गोल गोल घूमती रहती है ना। गोल गोल क्यों घूमती है, सीधे क्यों नहीं भाग जाती, जबकि चलने का नियम क्या है, सीधा चलो। तो अर्थ ये ऐसे क्यों घूमती रहती है, क्योंकि सन के पास मास है, अर्थ के पास मास है, मास दूसरे मास पर फोर्स लगाता है ग्रेविटेशन का, और उस ग्रेविटेशन के फोर्स से ये घूमते रहती है। हम बोल देते हैं ग्रेविटेशन का फोर्स लगा रहा है, आप मान लेते हैं और ये घूम रही है, लेकिन क्या सन ने हाथ बढ़ाया अर्थ को पकड़ने के लिए, कोई कॉन्टैक्ट है क्या सन और अर्थ का, कुछ नहीं, बिना टच किए ये इसको घुमाता रहता है। तो कौन सा फोर्स बनाता होगा, ये कॉन्टैक्ट वाला कि फील्ड वाला, फील्ड वाला। तो हम ये मानते हैं कि ये मास है सन का, ये अपने चारों तरफ अपना इफेक्ट बनाता है, इसी इफेक्ट के अंदर अर्थ है, इसके फील्ड के अंदर अर्थ है, तो इस पर फोर्स लगता है अर्थ पर, और ये ऐसे घुमाते रहता है। इसी तरह से अर्थ भी अपने चारों तरफ
अपना इफेक्ट बनाती है, क्योंकि अर्थ के पास भी मास है और अर्थ का फील्ड इतना स्ट्रांग है कि इसके फील्ड के अंदर जब मून आया तो मून भी घूमते रह गया, आज तक घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, उसको कौन घुमा रही है? अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से मून घूम रहा है। तो ये किस टाइप का फोर्स है? फील्ड फोर्स। समझ में आया किस टाइप का है जी ये? तो फोर्स लगाने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका कॉन्टेक्ट बनाओ फोर्स लगाओ, और एक तरीका फील्ड बनाओ फोर्स लगाओ। फील्ड बनाने के लिए किसी कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप ये भी जान रहे हैं कि सेम सेम तरह के चार्ज आते हैं तो क्या होगा? रिपल्शन। अपोजिट टाइप के चार्ज आमने सामने आएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये बात समझ में आया? अच्छा, अगर मैं कहीं पर इस तरह से प्लेट रख दूँ, ये देखना ध्यान से, ये एक प्लेट है पॉजिटिव चार्ज। इस प्लेट को क्या चार्ज दिया? बैटरी से कहीं जोड़ा होऊंगा मैं। इस ये दूसरा प्लेट है, इस प्लेट को मैंने निगेटिव चार्ज दिया है। बैटरी से इसको कनेक्ट किए होंगे, ये तार लिया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। ये समझ में आ रहा है पिक्चर? बोलिए। ओके, अब अगर मैं यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज निगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन सपोज, अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे शूट करूँ, यहाँ से दौड़ा दूँ कि जाओ भाई यहाँ से वहाँ तक चले जाओ, और जैसे ये यहाँ पे आया ये, तो इसका क्या होगा? चार्ज चार्ज पर क्या करता है? फोर्स लगाता है। समझ में आया? क्या करता है चार्ज? एक दूसरे चार्ज पर फोर्स। जब सेम सेम टाइप का चार्ज होता है तो रिपल्शन, अपोजिट टाइप का चार्ज होता है तो अट्रैक्शन। देखिए, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, क्या दोनों चार्ज ने कॉन्टैक्ट बनाया चिपके? आंसर है नो। फिर भी जब अपोजिट चार्ज आते हैं, सेम टाइप के चार्ज आते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव के सामने निगेटिव, तो ये रिपल कर देता है। क्यों? बिना टच किए फोर्स लग गया। क्या बनाया होगा इन दोनों ने? फील्ड बनाया होगा। तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं? फील्ड। फील्ड से फोर्स लगता है, ये इसको पास भी नहीं आने देता, दूर से ही धक्का मार देता है, रिपल हो जाता है। जैसे ही अपोजिट चार्ज प्लस के सामने माइनस लेके आओ तो ये क्या करता है? खींच लेता है। क्यों खींच लिया? टच तो हुआ नहीं, कॉन्टैक्ट तो बना नहीं, तो ये कौन सा फोर्स होगा? फील्ड वाला। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि चार्जेस एक दूसरे पर क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स कौन लगाता है? उसका फील्ड। ठीक है, उस फील्ड को क्लास 12th में चल के आप लोग और अच्छे से पढ़ोगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे जा रहा है, ये इसका रास्ता है, और इसको ऐसे जाना है, यहाँ पहुँचना है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ओरिजिनल रास्ता यही है सीधा। जैसे ये यहाँ पहुँचा, अब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। मैंने आपको बताया अगर चार्ज है तो वहाँ क्या बनता होगा? उसका फील्ड होगा। उस फील्ड को ना हम लोग ऐसे दिखाते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोग क्लास 12th में चल के पढ़ोगे, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। ये दिखता नहीं आँख से, इनविजिबल है, स्पेस जैसे खाली जगह। तो ये हम अपने इमेजिनेशन के लिए बनाते हैं कि ऐसी लाइन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है ना, खाली जगह है। अब ये इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? चार्ज पर फोर्स लगाता है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा चार्ज को किस तरह फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपल। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अब एक बात बताओ, जब ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा ये, और इसके अंदर जाना, अब यहाँ फील्ड है, इन दोनों प्लेट की वजह से बना हुआ फील्ड, तो जैसे ही ये अंदर एंट्री मारेगा इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं? क्योंकि ये चार्ज है और यहाँ यहाँ भी चार्जेस हैं, है? समझ रहे? अच्छा, ये कौन सा चार्ज है? निगेटिव। जैसे ये अंदर जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट इसको किधर फोर्स लगाएगा? अपनी तरफ या रिपल करने के लिए नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस जब भी आएंगे अट्रैक्ट होगा, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ऐसे मुड़ने लगेगा क्योंकि वो खींचेगा। ओके, दिस इज निगेटिव, दिस प्लेट इज निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, सेम चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल। ये इसको दूर भगाएगा, तो इसके दूर भगाने की वजह से भी ऐसे मुड़ेगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट फोर्स नहीं लगाते, ये जो एक्शन आपने अभी समझा कि ये इधर मुड़ जाएगा, इसके धक्का मारने की वजह से भी इधर, और इसके खींचने की वजह से भी इधर मुड़ा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये वाला जो फोर्स इस चार्ज पर लगता है, ये फोर्स ये प्लेट नहीं लगाते, कौन लगाता है? इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है चार्ज पर, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, ये प्लेट तो हाथ बढ़ा के इसको पकड़ के नहीं खींचता, ये खाली जगह है, तो खाली जगह में कुछ तो होगा जो पकड़ के लाता होगा, वो कौन है? आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है चार्ज पर। अब ये जैसे ही एंट्री मारता है यहाँ, इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये ऐसे चला जाता है, ये यहाँ पहुँच गया, और इसका रास्ता देखिए कैसा हो गया, ये
कर्व। आ रहा है समझ? तो ये ऐसे मुड़ जाता है। इस एक्शन को हम बोलते हैं डिफ्लेक्ट होना। क्या होना? हाँ, क्या बोलना है इसको? डिफ्लेक्शन। अपने ओरिजिनल रास्ते से हट जाना, कितना हटा ये एंगल हम नाप लेंगे, थीटा। ओरिजिनल रास्ते से कितना हट गया, कितना डिफ्लेक्ट हो गया, दिस एक्शन इज नोन एज डिफ्लेक्शन। ठीक है जी, बोलिए यहां तक समझ आया या नहीं आया? आया, ठीक है। अच्छा, यही सारे एक्शन कर करके विलियम क्रूक ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गया, ये एक्शन, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं थ्योरी ऑफ या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शुरू करें, शुरू करें। चलिए हेडिंग दीजिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मैं मिटा दूं जी, नोट कर लिए। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बड़ा मेजर डिस्कवरी था हिस्ट्री में। ठीक है, इसने सारे पुराने कॉन्सेप्ट ही बदल दिए जो डाल्टन के ज़माने तक चल रहे थे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, 1808 तक, 1820, 1830 तक लोग यही मानते थे कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्योंकि हमारे पास सॉलिड प्रूफ उसी के थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए, ठीक है, माइकल फेराडे के एक्सपेरिमेंट्स, फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया लैब में कि देखिए, जब भी हम लोग किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यानी कोई ऐसी चीज़ जो पानी में घुल जाए, सॉल्यूशन बन जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्यूशन बनने के बाद आयन देता है। आयन समझ रहे हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज वाला आयन। जैसे NaCl को वाटर में हम घोल देंगे तो Na प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, पानी में जाके आयन देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो जब भी हम कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले करके उसमें दो ठो मेटल की प्लेट डाल के उसको बैटरी से कनेक्ट करके करंट फ्लो कराते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करना। क्या करना? हाँ, इसमें यह होता था कि जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं बैटरी का, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एक मेटल में, ये दो मेटल डाले ना ऐसे डिपॉजिट किए बैटरी से जोड़ के, दो ठो मेटल डाल दिए अलग अलग, बैटरी ऑन किए, तो हम ये देखते हैं कि दोनों मेटल में से एक मेटल के सारे मटेरियल झड़ने लग जाते हैं और दूसरे पे जाके चिपक जाते हैं। समझ रहे हैं? एक से क्या होता है, मटेरियल झड़ जाता है, कम होता है, और वो कहाँ जाके चिपक जाता है, दूसरे में जाके डिपॉजिट हो जाता है, इसका मास बढ़ जाता है और इसका मास कम हो जाता है। मतलब यहाँ से कुछ पार्टिकल ट्रांसफर हुए और इसमें जाके चिपक गए। समझ आया ये कि नहीं आया? किस सॉल्यूशन में? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। तो उन्होंने फिर इसकी डिस्कवरीज दी, उसकी थ्योरी बनाई, उसके फॉर्मुलेशन किए कि क्यू क्वांटिटी का चार्ज जब हम फ्लो करते हैं तो डब्ल्यू क्वांटिटी का मास डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये एक बीकर है ऐसे, इसमें एक ये रॉड डला हुआ है बैटरी के साथ, इसको हमने कनेक्ट किया है, ठीक, एक ये दूसरा मटेरियल, दूसरे मेटल का रॉड है, इसको बैटरी के साथ यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है, यहाँ पे हमने स्विच लगाया है, ये स्विच, दिस इज प्लस माइनस, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन समझ रहे हो? ठीक है, ऐसी चीज़ का सॉल्यूशन जो क्या देता है, सॉल्यूशन में आयंस, प्लस और माइनस आयन, जैसे NaCl मान लो। ठीक है, और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज निगेटिव चार्ज, दिस इज निगेटिव टर्मिनल, तो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो मेटल है इलेक्ट्रोड, ठीक है, यहाँ से ये निकल निकल के झड़ झड़ के इसमें चिपकने लग जाते हैं यहाँ से, और इसमें ऐसे बहुत सारे मेटल ऐसे डिपॉजिट हो जाते हैं, ये तो अलग ही दिखेगा, ये मोटा हो गया। ठीक है, कहाँ से आया ये मेटल, क्या आया, कैसे आया? ठीक है, तो इसका जवाब है आयंस चल के आते हैं, चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये चीज समझ में आया? एक डिस्कवरी ये हुई, उन्होंने बताया कि अगर मैं क्यू क्वांटिटी का चार्ज फ्लो कराऊं यहां से, तो एक इलेक्ट्रोड में डब्ल्यू क्वांटिटी का मास चिपकेगा और यहां से डब्ल्यू क्वांटिटी का मास हटेगा,
जितना यहां से निकलेगा उतना ही ना चिपकेगा। तो ये एक रिलेशन फैराडे ने बताया। दूसरा चीज, हम कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक डाल के एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक डाल के ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है, जितने भी इसमें पार्टिकल आकर के चिपकते हैं उसका नंबर ऑफ मोल हमेशा एक सिंपल रेशियो में रहता है। ये चीज समझे आप, समझे कि नहीं समझे? हाँ, आयंस के नंबर ऑफ मोल हमेशा कैसे रहते हैं, सिंपल रेशियो में, नंबर ऑफ मोल्स। ये पहला नियम था। दूसरा नियम नंबर ऑफ मोल्स के लिए बनाया, नंबर ऑफ मोल्स आर इन सिंपल रेशियो, जैसे NaCl, Na का हो जाएगा 1, Cl का हो जाता है 1/2, ठीक है, आधा मोल पॉसिबल है। समझ आया? ओके, तो ये सारी चीजें थी कि यहां से क्या निकला, यहां कैसे डिपॉजिट हो गया, कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है ना। एटम नहीं जाता तो फिर क्या जाता है, क्योंकि हम तो चार्ज फ्लो करा रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं, करंट से एटम कैसे चला जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि करंट क्या है, बेसिकली चार्ज, और चार्ज किस चीज पर फोर्स लगाता है, चार्ज पर। तो यहां से कौन चीज चल के आई होगी, जिस पे फोर्स लगा होगा, किस चीज पर फोर्स लगा होगा, चार्ज पर। तो चार्ज चल के आया, चार्ज, समझ आया? और चार्ज कहाँ होगा, तो आंसर है हर चीज एटम से बनती है, तो ये भी एटम से बना है, ये भी एटम से बना है। तो जब चार्ज चल के आया तो एटम में ही चार्ज रहा होगा ना, मतलब एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं, उसके अंदर और कुछ होता है चार्ज नाम का चीज, जो चार्ज कैरी करता है, समझ आया? तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने विलियम क्रूक्स को थोड़ा सा मोटिवेट किया कि नहीं जी, एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं, उसके अंदर और कुछ होता है। फिर फैराडे ने ये भी एक्सपेरिमेंट करके बताया डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के, कि गैस के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये तो एक पहलू बताया मैंने आपको ना, समझते जाइएगा। यहाँ से क्या फ्लो होके आया, चार्ज, क्योंकि हम क्या फ्लो करा रहे हैं, करंट, करंट इज बेसिकली व्हाट, चार्ज, चार्ज का चलना ही करंट है, और चार्ज चार्ज पर ही फोर्स लगाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको यही समझा रहा था, समझे? तो अगर मैंने चार्ज फ्लो करवाया है तो यहां से फ्लो होकर के यहां किसको आना चाहिए, चार्ज को, आयन को, आयन के पास चार्ज, इसीलिए इसको आयन बोलते हैं, समझ गए? तो यहां से यहां आयन आता है, यानी चार्ज आता है। तो भाई चार्ज कहां से आया, ये किस चीज का बना हुआ था मटेरियल, हर मटेरियल एटम से बनता है, और इसी में से निकल निकल के कुछ गया, कौन गया, चार्ज। तो चार्ज कहां रहा होगा, एटम के अंदर, यानी एटम के अंदर भी कोई चीज होती होगी। एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर चार्ज होता है, कोई पार्टिकल होता है जो चार्ज कैरी करता है, क्योंकि ये यहाँ आके डिपॉजिट होता है, इसका मास बढ़ जाता है, मतलब कोई पार्टिकल आया तब ना ये भारी हो गया, यहाँ पे चिपक गया, लिबरेटेड हो गया। यही मेथड लगा के गोल्ड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, समझ गए? क्या करते हैं, गोल्ड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, गोल्ड इम्प्योर फॉर्म में रहता है, इलेक्ट्रोलिसिस कर करके गोल्ड को यहाँ चिपका लेते हैं, प्योर गोल्ड मिल जाता है हमको, इम्प्योरिटी उधर हो जाती है, तो इसको फिर साफ करके निकाल लेते हैं, ये सोना बन गया, गोल्ड आ गया। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है, किसी एक चीज को दूसरी चीज से अलग करना, समझ में आया ये? लेकिन इसमें तो मेटल डिपॉजिट हुआ ना, पार्टिकल आया, तब ना इसका मास ले रहे हैं हम, पार्टिकल का, समझ रहे हो? तो ये मास कैसे बन गया, पार्टिकल आया कि चिपकते गए चिपकते गए चिपकते गए, यहाँ पर डिपॉजिट होते गए, ये भारी होता गया, ठीक। लेकिन चल के एक्चुअल में कौन आता है, चार्ज, और चार्ज कहाँ से चल के आया है, एटम के अंदर से, मतलब एटम के अंदर और भी कुछ होता है, एटम अकेला छोटा पार्टिकल नहीं है, उससे भी छोटे कुछ होते होंगे जो निकल निकल के आ रहे हैं बार बार। ये चीज समझ आया? इसी चीज ने विलियम क्रूक्स को मजबूर किया कि नहीं, एटम से छोटा पार्टिकल कुछ होता है। तो फैराडे ने उस टाइम तक कैथोड रे के या डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट किए थे कि गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, अगर हम प्रेशर को बहुत कम कर दें, वोल्टेज को बहुत ज़्यादा कर दें, बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज लगा दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा कि गैस के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन तोड़ने लग जाएगा, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा भारी भरकम शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आगे चल के आप समझेंगे। तो हम ये बात कर रहे थे कि देखिए 1850 के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई कि गैस में से भी करंट फ्लो होता है, तो विलियम क्रूक्स आए 1879 में, और उन्होंने स्टडी किया कि गैस में कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, ठीक है, एंड हाई वोल्टेज। ठीक है, ये समझ आया? जो फैराडे ने नियम बनाया था कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर, तो फिर विलियम क्रूक ने उसकी स्टडी की कि गैस में से कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, ठीक है, ओके। फिर उन्होंने वही ट्यूब उठाया जो माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम है इस ट्यूब का, हाँ,
इस ट्यूब की खासियत ये है, ये 60 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना? 60 सेंटीमीटर। दोनों तरफ से सील होता है, दोनों तरफ से, कहीं भी ओपनिंग नहीं है। इधर से भी सील कांच का बना हुआ, इधर से भी सील कांच का बना हुआ। ये सील ट्यूब हो गया, इसकी लंबाई कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर। एक छोटा सा होल रहता है जहाँ से हम गैस को अंदर भर सकते हैं या निकाल सकते हैं वैक्यूम पंप लगा के। वैक्यूम पंप लगा के गैस को सक कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ये वो खाली जगह है जहाँ पे हम वैक्यूम पंप लगा के अंदर का जो गैस का प्रेशर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। समझ आया? ये चीज़ समझ आया? ओके, अब विलियम क्रूक्स ने क्या किया, अलग अलग टाइप का गैस इसमें भरा। नाइट्रोजन गैस भर के एक्सपेरिमेंट किया, ऑक्सीजन गैस भर के किया, हाइड्रोजन गैस भर के किया। समझ रहे हैं? इसी तरह करके हीलियम भरा, नियॉन गैस भरा, दुनिया भर के गैसेस भर भर के एक्सपेरिमेंट किए। कोई भी गैस हम भरते थे, कोई भी गैस, हर गैस के अंदर हमको रिजल्ट सेम मिलता था। अब देखो, कोई भी चीज़ किससे बनती है? एटम से। एटम से बनती है ना। अब ध्यान से समझना इसमें फंडा क्या है। हर चीज़ किससे बनती है? एटम। और अभी तक क्या चल रहा था? एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल, उससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। और अब ये टर्निंग पॉइंट बनने वाला था, क्योंकि ये सारी धारणाएं गलत साबित होने वाली थी। समझ रहे हैं? तो उन्होंने ना अलग अलग टाइप का गैस भर के एक्सपेरिमेंट किया। अब हमको पता है कि गैस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती, फ्लो होती है। कब? जब प्रेशर क्या कर दिया जाए? कम। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज क्या कर दिया जाए? बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बैटरी लगाया डीसी वोल्ट, और रेगुलेटर से वोल्टेज को बढ़ा बढ़ा के कितना कर दिया? मैक्सिमम वोल्टेज 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट बहुत ज़्यादा होता है। हमारे घर में जो हाउस होल्ड सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें उसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट बस, 220 वोल्ट। और ये कितना लगाते हैं यहाँ? 10,000 वोल्ट। वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इस प्लेट में चार्ज भी क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा। जब बहुत सारे चार्जेस होंगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने आपको बताया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ पर फोर्स लगाता है? चार्ज पर। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों प्लेट हैं ऐसे, ये पॉजिटिव प्लेट। अगर मैं यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते जाऊँगा, दिस इज पॉजिटिव प्लेट। तो यहाँ का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैसा होता जाएगा प्लेट में? बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इधर मैं पॉजिटिव बना देता हूँ। ये यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया। जब बहुत ज़्यादा होगा तो प्लस से माइनस की तरफ क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लास 12th का टॉपिक है, समझ रहे हैं? क्या बनता है जी, बोलिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों प्लेट के बीच में क्या भरी हुई है? ये गैस। और हर चीज़ किससे बनती है? एटम से। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए, गैस के एटम पड़े हैं यहाँ, है ना? ये एक एटम है गैस का, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम, छठवां एटम, एटम पड़े हैं गैस के, लाखों करोड़ों एटम होंगे। अब एटम का साइज तो बहुत छोटा होता है ना, तो करोड़ों एटम पड़े हुए हैं, अरबों एटम पड़े हुए हैं बीच में। अब यहाँ पे हमने बैटरी लगा के, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, बैटरी लगा करके इतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया है इसका कि यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का चार्ज कितना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं। तो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा हो गया होगा? बहुत स्ट्रांग। और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है? किस पर फोर्स लगाना? चार्ज पर फोर्स लगाना। अब हम आज के डेट में ये जानते हैं कि हर एटम में चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अब ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये गैस है और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि अंदर में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचे रहते हैं, क्योंकि अंदर प्लस बाहर माइनस, प्लस माइनस क्या करते हैं? अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है इसके चारों तरफ, और ये ऑर्बिट तोड़ के भागता नहीं। लेकिन अगर कोई बाहर से आ जाए, अंदर लगाने वाले फोर्स से ज़्यादा फोर्स बाहर वाला लगा दे, तो इलेक्ट्रॉन को टूट के जाना पड़ेगा कि नहीं? बोलिए, ये मैं 10 न्यूटन से इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए हूँ और ये घूम रहा है मेरे चारों तरफ, चक्कर लगा रहा है। कोई बाहर से आ जाए 20 न्यूटन लगा दे, तो ये रहेगा क्या मेरे 10 न्यूटन से कंट्रोल में? नहीं, ये टूट के बाहर चला जाएगा उसकी तरफ। यही हाल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 इतना स्ट्रांग हो जाता है वोल्टेज बढ़ाने की वजह से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर किसको तोड़ तोड़ के खींचने लगता है? एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को तोड़ तोड़ के खींचने लगता है। तो हर एटम में से इलेक्ट्रॉन टूटा, बाहर निकला, बाहर निकला, बाहर निकला, बाहर निकला, बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे टूट के बाहर निकल गया। गैस में से, गैस के एटम में से कौन टूट गया? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और
ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, हमने वोल्टेज इतना बढ़ा दिया कि चार्जेस इतने ज्यादा हो गए कि बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया कि वो अब गैस के एटम में से भी इलेक्ट्रॉन तोड़ तोड़ के खींच लेगा, इतना ज्यादा ताकत हो गया, क्योंकि ये चार्ज पर फोर्स लगाता है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को तोड़ के खींच लिया। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होंगे तो किसकी तरफ जाएंगे, कौन से प्लेट की तरफ, बोलिए किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। ये समझ आया? अच्छा, ना हमको आंख से एटम दिखता है, ना हमको आंख से इलेक्ट्रॉन दिखता है, कुछ नहीं दिखता। इलेक्ट्रॉन तो और छोटा होता है ना एटम से, एटम इतना बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन तो और छोटा, पिद्दी सा होगा, इसे घूमेगा, बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन यहां से टूट टूट के निकले, अब इतना ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है दोनों प्लेट के बीच में कि बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। किसकी तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये गोली से भी ज्यादा स्पीड, जैसे लाइट की स्पीड होती है 3×10⁸, 30,00,000 मीटर एक सेकंड में, उतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलता है। अब सोचिए जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो बीच बीच में एटम से टकराएगा कि नहीं, बीच में एटम भी तो है, एक इलेक्ट्रॉन ही ना टूटा, बाकी एटम तो पड़ा है वहीं पे गैस का, तो जब ये बड़ी तेजी से आएगा तो उस एटम से टकराएगा कि नहीं, और क्या होगा जब कोई चीज टकराती है, हिट करती है, तो क्या होता है, गर्म होने लगती है, बहुत ज्यादा टक्कर होता है तो क्या होगा, हीट पैदा हो जाती है, गर्म होने लगता है। तो जब ये गैस के एटम इलेक्ट्रॉन से हिट होते हैं, लाखों करोड़ों गोलियां एक साथ चला दी जाएं, तो जब इनके साथ कोलिजन होगा, हीट होगा, तो ये क्या होगा, गर्म होने लगेगा। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन आया बस हिट हो गया चला गया, इधर से तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पूरी लहर आ रही है इलेक्ट्रॉन की एक तरफ से, समझ गए, क्योंकि सिर्फ दो चार इलेक्ट्रॉन नहीं टूटे हैं, कितने एटम है, करोड़ों, और करोड़ों एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अरबों खरबों, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन टूटे हैं, पूरी स्ट्रीम ऐसे चलने लगती है इलेक्ट्रॉन की, पूरा करंट जैसे, जैसे पानी नहीं फ्लो होता पाइप से, उस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होने लगते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन्स के सामने सारे एटम्स ऐसे आएंगे, हर एक से टक्कर होगा, टक्कर होगा तो वो क्या हो जाएंगे, गर्म, गर्म होंगे तो चमकने लगेंगे, चमकेगा तो लाइट निकलने लगेगा, तो ये जलने लग जाता है, लाइट निकलने लगता है। समझ आया एक्शन क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, क्या निकलने लग गया, लाइट निकलने लग गया, जैसे बिजली चमकी ऐसे निकल गई बिजली, कितने फास्ट स्पीड से बिजली चलती है, बस वही स्पीड आपको यहां दिखेगी और बिजली ऐसे चमक जाएगी। बिजली क्यों चमकी समझ आया, क्योंकि क्या हुआ है, एटम के साथ टक्कर, इसलिए गर्म होकर के एटम चमकने लगे हैं, और ये बड़ी तेजी से चलते हैं क्योंकि फोर्स यहां पे बहुत ज्यादा होता है, और सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि निगेटिव चार्ज कहां जाता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है, यही एक्शन यहां पे होता है। ये चीज समझ आया, बोलिए, या नहीं आया, आया। अब उन्होंने एक गैस लेके एक्सपेरिमेंट किया, यही हुआ, दूसरा गैस लेके एक्सपेरिमेंट किया, यही हुआ, तीसरा गैस भर के एक्सपेरिमेंट किया, यही हुआ। इसका क्या मतलब है, करंट हर एक से फ्लो हो रही है, हर एक जो भी गैस में ले रहा हूं, हर गैस में हमको कलर दिखता है। समझ आया, आया कि नहीं आया, इसका मतलब है ये जो चीज बार बार चल चल के जा रही है उधर, बार बार जो हमको चमकते हुए दिखती है ऐसे बार बार जाती है, ये चीज हर गैस के अंदर मौजूद है। मैं कोई भी गैस भरता हूँ, हाइड्रोजन भर के एक्सपेरिमेंट करता हूँ, नाइट्रोजन भर के करता हूँ, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कोई भी गैस भर के मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, हर गैस में रिजल्ट यही आता है। इसका मतलब है ये जो चीज़ है जो यहाँ से चल के वहाँ तक गई, ये नाइट्रोजन में भी मौजूद है, हाइड्रोजन में भी मौजूद है, ऑक्सीजन में भी मौजूद है, हर गैस में मौजूद है। समझ आया, तो ये वो चीज़ है जो हर एक के अंदर होता है। इसका मतलब एक कॉमन पार्टिकल है जो हाइड्रोजन गैस में भी है, नाइट्रोजन गैस में भी है, ऑक्सीजन गैस में भी है, और हर एक चीज किससे बनता है, एटम से, और ये अलग अलग एटम है, हाइड्रोजन का एटम अलग, नाइट्रोजन का एटम अलग है, दोनों अलग अलग, तभी तो दोनों के नाम अलग अलग है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का एटम अलग है, लेकिन कोई भी गैस हम भर के एक्सपेरिमेंट करें यहाँ पर, रिजल्ट हमको यही मिलता है। मतलब हर गैस के अंदर, गैस कोई भी हो, एटम कोई भी हो, उसके अंदर ये पार्टिकल है जो हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है। समझ आया, यानी ये कैसा पार्टिकल है जो हर एक गैस के अंदर मौजूद है, हर एक एटम, चाहे वो कितने भी टाइप के एटम हो, हर एटम के अंदर ये पार्टिकल होता है जो हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ चल के जाता है और हमको चमक दिखती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कॉमन पार्टिकल हुआ जो हर टाइप के एलिमेंट के अंदर है, क्योंकि हर एलिमेंट एटम से बनता है और हर एटम के अंदर ये पार्टिकल है जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चल के जाता है। इससे क्या साबित हुआ कि कोई तो है जो हर एटम के अंदर होता है, हर टाइप के एटम के अंदर होता है, चाहे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कुछ भी ले लो, हर टाइप के एटम के अंदर एक चीज कॉमन रहती है। समझ रहे हैं, क्या रहती है, कॉमन, और वो कॉमन चीज क्या है, तो आंसर है वो कॉमन चीज वो होगी जिसके पास चार्ज होगा, क्योंकि मैं इधर क्या अप्लाई किया हूं,
यहां क्या है, चार्ज। और चार्ज पर अगर कोई चल के आ रहा है तो कौन चल के आ रहा होगा, चार्ज ही चल के आ रहा होगा, क्योंकि चार्ज ही चार्ज पर फोर्स लगाता है। अब ये पॉजिटिव प्लेट है इसलिए इसकी तरफ जो चल के आएगा उसके पास कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव। तो जो चल के आया उसका चार्ज पता चल गया, उसका नाम नहीं मालूम विलियम क्रूक्स को कि उसका नाम क्या है, लेकिन जो भी चीज चल के आई, जो पार्टिकल भी चल के आया, उसके पास चार्ज कौन सा होगा, निगेटिव। तभी वो किसकी तरफ गया है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया है। इसीलिए उनका उस समय उन्होंने उसका नाम क्या रखा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन द कैथोड रे। ये जो रे बनी ऐसे जो चलती है, ये इलेक्ट्रॉन की लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्रीम जैसे ऐसे चलते हैं बिजली की तरह, ये वाली जो रे बनती है उसको बोलते हैं कैथोड रेस। क्या बोलते हैं बोलिए, क्या बोलना है, कैथोड रेस। समझ आया? और कैथोड रेस हमेशा किसकी तरफ जाती हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती हैं। मतलब कैथोड रे जिस पार्टिकल से बनी हुई है, ये रे समझ रहे हैं, एक साथ करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भेज दें तो ये रे ही दिखेगी ना, जैसे रे ऑफ लाइट। आप लोग टॉर्च जलाते हो तो करोड़ों रेस ऐसे निकलती हैं तो आपको दिखती चमक लाइट। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन चलेगा करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन और 3×10⁸ की स्पीड से चलेगा तो आपको ये रे दिखेगी। समझ आया? ये रे आपको दिखेगी, इसलिए इस रे का नाम उन्होंने क्या रखा, कैथोड रेस। समझ गए, समझे कि नहीं? और हमेशा ये किसकी तरफ जाती है, पॉजिटिव प्लेट। और हम कोई भी गैस भरते हैं, हर गैस के अंदर यही होता है। इसका मतलब है ये जो पार्टिकल है जिसकी ये रे बनती है उधर जाते समय, ये वाला पार्टिकल हर एटम के अंदर है। कोई भी गैस भरो, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये हर एटम के अंदर होता है। सेम चीज हर एटम के अंदर होता है, मतलब एक तो कॉमन पार्टिकल है जो एटम के अंदर है, जिसकी डिस्कवरी आज होने वाली है। और उसका नाम विलियम क्रूक्स ने क्या रखा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन कैथोड रेस। ठीक है, बाद में स्टोनी ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा था, तो यहाँ पे साइड में नोट कर लेना कि इलेक्ट्रॉन नेम गिवन बाय स्टोनी, विलियम क्रूक ने नहीं दिया था। इलेक्ट्रॉन नेम इज गिवन बाय स्टोनी, ये ठीक है। समझ गए ये चीज कि नहीं समझे, बोलिए बोलिए, पक्का? हाँ जी। अब देखिए ना यहाँ पर, तो यहाँ से आपको किस तरह की स्ट्रीम दिखेगी, ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन का चलना, ये, और बीच में करोड़ों एटम टकराएंगे इलेक्ट्रॉन से, इसलिए वो गर्म होकर के चमकने लग जाते हैं। ठीक, हाँ। अब ये ऐसे ही नहीं हो गया कि गैस भरे वोल्टेज बढ़ाए तो एक्सपेरिमेंट हो गया, इन्होंने बिल्कुल चरणबद्ध किया इसको कायदे से। पहले तो हमने क्या किया, देखो जो गैस यहाँ पर हम लिए उसका प्रेशर हमने कितना रखा, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल हमारा ऐसा यूनिट में होता है। कितना रखे हम प्रेशर, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लेते हैं और थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गैस भरी रहती है, कुछ नहीं दिखता, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता। यह मैंने नोट भी किया, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रेशर को थोड़ा कम कर दें, कितना कम कर दें, 10 गुना कम या 100 गुना कम, नॉट 10 गुना, कितने गुना कम कर दिए। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखें तो प्रेशर को 100 गुना कम कर दो, 100 गुना कम करना यानी क्या, 10⁻²⁸ ATM कर दिए, -2, समझ रहे हो, ये 1/100 है, समझ रहे हैं, 1/10⁻² है यानी 1/100 है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कितने गुना कम कर दिए, 100 गुना कम कर दिए। और प्रेशर कैसे कम करते हैं, ये वैक्यूम पंप लगाए हैं, सक कर लिए, पूरा खींच लिए, तो जो भी प्रेशर था अंदर कम हो गया, प्रेशर कम, वोल्टेज को बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए वोल्टेज, प्रेशर का क्या हुआ, यहाँ हमने वैक्यूम पंप लगा के खींच लिया प्रेशर, तो क्या हुआ, प्रेशर अंदर डिक्रीज हो गया। ये समझ में आया, आया या नहीं? वैक्यूम पंप यूज करते हैं ना हम लोग घर की साफ सफाई करने के लिए, चीजें सक करके वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, तो वही वैक्यूम पंप हम यूज किए और हमने अंदर के प्रेशर को क्या किया, कम कर दिया, अंदर हम वैक्यूम क्रिएट करना चाह रहे हैं। समझ आया? तो प्रेशर को हमने 100 गुना कम किया, तो जैसे ही प्रेशर 100 गुना कम हुआ, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाए, हम देखते हैं यहां से ग्रीन कलर की लाइट ऐसे चली, जैसे बिजली जब चलती है तो दिखता है ग्रीन ब्लू कलर का, ग्रीनिश ब्लू कलर का, वही चमक ऐसे बिजली की हमको दिखी बड़ी तेजी से, जब हमने प्रेशर कितना कम किया, 10⁻², कर दिया, ग्रीनिश ब्लू स्ट्रीम ऑफ रेडिएशन इज गोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड, दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। जो भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, एनोड, पॉजिटिव, और जिसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, कैथोड, निगेटिव। तो हमको ये इधर जाता हुआ दिखता है एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ, कौन से कलर की लाइट, ग्रीनिश ब्लू, जो बिजली के साथ दिखती है आपको जब बिजली चमकता है, तो समझ आया, तो वही लाइट हमको यहाँ पे दिखती है। उसके बाद हमने ना इसको थोड़ा सा और प्रेशर कम किया,
और वोल्टेज को थोड़ा सा और बढ़ाया। प्रेशर को अभी हमने 100 गुना कम किया था, अभी जितना प्रेशर चल रहा है उसको और 100 गुना कम कर दिए, यानी टोटल प्रेशर कितने गुना कम कर दिए, 10,000 गुना, 100 और 100 चार जीरो, 10,000 गुना इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितने गुना कम कर दिए, 10,000 गुना 10^-4, दिस इज 0.01 मिलीमीटर। अगर आप मिलीमीटर में नापेंगे प्रेशर को, 0.01 कितना बनता है ये, 0.01 मिलीमीटर, ठीक, इतना प्रेशर कर दिए। इतना प्रेशर जब हम किए तो हमने देखा कि यहां जो बीच में चमक दिख रही थी बिजली की वो बंद हो गई, ठीक है, ये काला हो गया, ट्यूब क्या हो गया, ब्लैक पूरा। इतना हैवी वोल्टेज 10,000 वोल्ट लगा दो, इतना ज्यादा करंट बनेगा कि ये उड़ गया, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट मतलब ये ट्यूब नहीं उड़ी ग्लास की, ये क्या हुआ, जैसे बल्ब आपका फ्यूज नहीं हो जाता, कभी कभी ब्लैक हो जाता है अंदर से जब फ्यूज होता है, तो उसी तरह से ये भी फ्यूज हो गया, जल गया, कुछ लाइट नहीं दिख रही, डार्क हो गया। देखिए, ग्लो बिटवीन इलेक्ट्रोड डिसअपीयर, यानी पहले जो चमक दिख रही थी इनके बीच जाते हुए, वो चमक क्या हो गई, बंद हो गई, लेकिन करंट अभी भी फ्लो हो रहा है। चमक भले बंद हो गई, करंट अभी भी फ्लो हो रहा है, क्योंकि हाई पोटेंशियल लगा हुआ है और हमने प्रेशर को 10,000 गुना कम कर दिया हुआ है, ठीक। अब ये डिस्चार्ज हो गया, ब्लैक हो गया, लेकिन करंट फ्लो हो रही है। कैसे पता करंट फ्लो हो रही है, ऐसे पता कि ये जो एनोड है, ये इस एनोड के अगर मैं थोड़े थोड़े छेद बना दूं, इसमें क्या कर दूं, हल्के हल्के छेद बना दूं, ऐसे ये थोड़ा थोड़ा इसमें गैपिंग कर दिए, ये तो इस छेद से होकर के ये इलेक्ट्रॉन यहां जा करके टकराएगा इस स्क्रीन के साथ, बोलिए, यहां से होल है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा यहां से, बोलो आ रहा है समझ, यहां से बहुत छोटे छोटे इसमें हमने छेद बनाए एनोड में, ठीक है, समझ रहे हो, ये एनोड की प्लेट है ऐसे, इसमें बहुत सारे होल कर दिए, ये प्लेट ऐसे नहीं है लंबा लंबा, ये एक्चुअल में गोला गोला प्लेट है, ये ऐसे गोला प्लेट है, इसको रखे ऐसे इसलिए सिर्फ ये लाइन दिख रही है, समझ आ रहा है, ये ऐसे रखा हुआ है इसलिए ये सिर्फ ये आपको सिंगल लाइन दिख रही है, अदरवाइज ये कैसा प्लेट है, ऐसा गोला गोला प्लेट, समझ आ रहा है, इसमें बहुत सारे छेद बना दिए, ऐसे बहुत सारे छेद कर दिए, तो बहुत होल है, तो जब ये करंट ऐसे फ्लो होगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये इससे पार होके निकल जाएंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज तो एटम से भी छोटा होता है, निकल जाएंगे। और यहां पे हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, पेंट कर दिया, जैसे आप लोग मिरर में अपना चेहरा देखते हो तो पीछे सिल्वर क्लोराइड पोता रहता है और ऊपर से लाल रंग पोता रहता है, तो आपको इधर आपका चेहरा दिखता है, यानी ये स्क्रीन बन जाता है मिरर, समझ रहे, पीछे क्या पोते रहते हैं, पेस्ट ये रहते हैं, सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन, सिल्वर कलर का देखें, ऊपर से फिर रेड कलर की पेंटिंग कर देते हैं ताकि वो सिल्वर उखड़ ना जाए, उसको बचाने के लिए, समझ आया। इसी तरह से यहां पे स्क्रीन बनाने के लिए इधर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं, जिंक सल्फाइड ZnS, ये हो गई कोटिंग, तो ये स्क्रीन बन गया। अब जब ये यहां से जा करके, ये हमने एनोड रखा है छेद वाला, छेद वाले एनोड को बोलते हैं परफोरेटेड एनोड, ये क्या बोलते हैं, तो परफोरेटेड एनोड अगर मैं रखूंगा तो इसको सब पार करके इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन को हिट करेंगे, बोलिए हिट करेंगे, तो यहां पर ये स्पॉट दिखेगा, ये वाला स्पॉट जल रहा है, जैसे एक पॉइंट पे आके हिट किया लेजर लाइट, तो वो सिर्फ उसी पॉइंट पर जलता है, एक लेजर लाइट आप कहीं पे हिट करो तो सिर्फ यहां पे हिट की हो तो यहीं पे जलेगा ना लेजर लाइट, ये जला, अगल बगल तो रोशनी नहीं होती उसकी, यहीं पे रोशनी होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आके यहां से गया है, यहां हिट किया है, सिर्फ ये वाला चमका ग्रीनिश ब्लू कलर, यहां से ये इलेक्ट्रॉन गया है तो यहां पे स्पॉट दिखा ग्रीनिश ब्लू कलर, यहां पे स्पॉट दिखा ग्रीनिश ब्लू कलर, और ये पूरी स्क्रीन जलने लगती है ग्रीनिश ब्लू कलर से, जहां जहां परफोरेटेड है छेद है उसी उसी के सामने वो जलने लगता है, बाकी जगह डार्क रहता है, समझ आया। इसका मतलब है कोई तो है जो चल के आ रहा है अभी भी, भले ट्यूब डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है, तो करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहती है। और ये किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ, एनोड पॉजिटिव प्लेट है, इसका मतलब है आने वाली पार्टी कौन है, निगेटिव, तो इस पार्टिकल के पास जो चल के आ रहा है उसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। उस निगेटिव चार्ज का नाम क्या है, कैथोड रेस, ये जो चल के आई उसका नाम क्या, कैथोड रेस। उसमें नीचे लिख लीजिए चौथा पॉइंट, दिस रेस इज कॉल्ड कैथोड रेस, इस रेस का नाम क्या रखा गया, कैथोड रेस नाम रखा गया, हो गया ये यहां तक, बोलिए समझ में आया, ये यहां तक आया समझ में, तो ये कैथोड रे की डिस्कवरी हो गई। अब हमको ये भी पता चल गया कि कैथोड रेस के पास निगेटिव चार्ज होता है, तभी तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई है उधर, है ना, समझे। और ये भी पता चल गया कि हम कोई भी गैस भरते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी भर देते हैं, हर गैस में यही हाल होता है,
हर गैस से ये पार्टिकल कैथोड रेस निकलती हैं और हमको एनोड के पीछे मिलती हैं स्क्रीन में। इसका मतलब है हर गैस के अंदर ये होता है ना, जो भी पार्टिकल निकल निकल के आ रहा है ये हर एटम के अंदर मौजूद है। एटम, आप कोई भी गैस भरो ना, कोई भी मटेरियल उठा के भर दो, कोई भी मटेरियल उठा के भर दो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, नियॉन, कुछ भी भर दो, ये हर एक गैस से निकल निकल के आपको एनोड के पीछे मिलती है। मतलब ये जो चीज मिल रही है ये किस में मौजूद है, हर एटम में मौजूद है। समझ आया, क्योंकि हर चीज एटम से बनता है ना, तो ये हर एटम के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, कोई और है जो सबके अंदर मौजूद है, हर एटम के अंदर मौजूद है। क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी एटम भरते हैं, हर एटम से ये निकल के हमको उधर दिखता है एनोड के पीछे, तो ये हर एटम के अंदर हुआ कि नहीं, इसलिए ये क्या है, एटम का पार्ट। इसको क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक पार्ट। ठीक है, आगे चल के इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया, और किसने नाम रखा था इलेक्ट्रॉन, स्टोनी ने नाम रखा था। ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है, हाँ, इस वजह से इस ट्यूब का नाम क्रूक्स ट्यूब भी है। डिस्चार्ज ट्यूब का नाम क्या है, क्रूक्स ट्यूब, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किसने किया, विलियम क्रूक्स ने किया 1879 में। ये समझ रहे हैं, 19वीं शताब्दी की अंत हो रही है और 20वीं शताब्दी शुरू होने वाली है, 20 साल बचे हैं ना, 21 साल 19th सेंचुरी खत्म होने में। समझ रहे हैं ये चीज। अच्छा, अब ये तो हमारा थोड़ा सा हो गया कैथोड रे के बारे में। अब हम इस कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि इसके पास क्या क्या गुण होता है, ये क्या क्या कर सकता है, तब तो पता चलेगा इसका नेचर कैसा है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस करेंगे।